Itu kita biar apa? Kita biar apa? Kita biar mana? Jadi tu sangat rawa lewat tu. Okey cila. Kau ada tu? Kau ada tu? Ujian apa? पादाहतेन लगुडेन विघट्टितेन भूयो जरच्छगल रुक्षगला विलेन तामन्न दून मैरात्निक हिन्मदीयं मुल्यं यदौ ननैत शतधा विदीर्णम्। पादाहतेन लगुडेन विघट्टितेन भूयो जरच्छगल रुक्षगला विलेन तामन्न दून मैरात्निक हिन्मदीयं मूल्यम यदौ नन इत शतधा विदीर्णम्। एक रत्न था, पृथ्वी पर गिरा हुआ था, मिट्टी वगैरह उसमें लगी थी, तो रत्न को कौन पहचानेगा? रत्न परीक्षक समझेगा। एक गडेरिया जो था, भेड़ बकरी चराता था, वो देखा उसको तो पादा हतेन पैर से जूता से रगड़ा उसको, लाठी से खरोचा उसको, एक बूढ़े बकरे के गंदे गले में उसको लटका दिया। देखने थोड़ा रगड़ने से चमकने लगा, वो क्या जानता है कि लाखों रुपए का ही रत्न है। तो पैर से रगड़ा, लाठी से रगड़ा, बूढ़े बकरे के गंदे गले में लटका दिया, रत्न लटका रहा बहुत दिनों तक। एक रत्न परीक्षक जौहरी जा रहा था, तो जौहरी तो हीरा रत्न रखता ही है, सोना को पहचानता है, वो देखते ही पहचान गया कि बूढ़े बकरे के गंदे गले में ये लाखों रुपये की चीज़ लटक रही है। भेड़ चराने वाले को, गडेरिया को बुलाया, बताया नहीं कि ये रत्न है, कहा कि ये जो गर्दन में लटक रहा है इसको बेचोगे? तो कहा कि बेचना क्या है, जमीन में पड़ा हुआ था, हम जो है शोभा के लिए इसे गर्दन में लटका दिए। तो कहा कि इसके बदले में हम 5 रुपया इसको देंगे, तुमको खोल कर दो। तो 5 रुपया वो खोल करके इसके हाथ में दिया, और 5 रुपया देने लगा तो हीरा का सैकड़ों टुकड़ा हो गया। तो रत्न परीक्षक पूछता है कि तुम टुकड़े टुकड़े क्यों हो गए? तो वो कहा, वो रत्न कहा किसे? रत्न परीक्षक से, जौहरी से, कि पैर से ही रगड़ा, हमको नहीं जानता था, हम सह लिए, लाठी से खरोंचा रगड़ा, हम सह लिए, बूढ़े बकरे के गंदे गले में लटका दिया तो भी हम सह लिए कि हमको जानता नहीं हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन ऐ रत्न परीक्षक, तुम हमको जानते हो कि हम लाखों रुपए के हैं, हमारा दाम 5 रुपया लगा रहा है। ये विचार करके हमारा हृदय सैकड़ों टुकड़े में बट गया, से टुकड़े टुकड़े हो गया। तो करपात्री जी अपने प्रवचन में प्रयागराज में कह रहे थे, स्वामी करपात्री जी का 1982 में शरीर छूटा है, माघ पूर्णिमा के एक दिन पहले फरवरी मास में 1982 में शरीर छूटा है, काशी जी में शरीर छूटा। प्रतिसाल वो प्रयागराज भी जाते थे, माघ महीने में कुछ दिन रहते थे, सत्संग प्रवचन भी होता था। उनके शिष्य वेदांती जी थे, संत शरण वेदांती, बाद में संन्यास लिए तो सदानंद सरस्वती नाम पड़ा। तो करपात्री जी महाराज जो थे, इस श्लोक को प्रयागराज में सभा में सुनाते थे कि और लोग जो हैं सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की दुर्दशा करें तो क्या होगा, धर्म जो है सह लेता है, लेकिन जो वेद शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, रामायण पर कथा कहते हैं, और जब गो रक्षा का प्रश्न आता है, गो हत्या बंद करने का, तो कोई सामने कोई आता है, अधिकतर सब भाग जाते हैं। रुपया पैसे के लिए धर्मशास्त्र का प्रयोग करेंगे, प्रवचन भाषण करेंगे, उस रामायण को पढ़ कर करके, गीता को, भागवत को पढ़ करके प्रवचन करते हैं, उनका नाम भी देश भर में हो जाता है, लेकिन धर्म रक्षा का प्रश्न आता है तो वो लोग कहते कि हम काहे को जेल में जाएंगे, हम काहे को आंदोलन में जाएंगे, गो हत्या बंद करने के आंदोलन में हम कहीं जाएंगे। तो धर्म जो है कलयुग में क्या करता है, रोता है कि जो जिनके कंधे पर हमारी रक्षा होगी, जो हमको उठाएंगे, वही हमको सहारा नहीं दे रहे हैं, इसलिए कलयुग में धर्म रो रहा है। धर्मशास्त्र को पढ़ने से, रामायण भागवत पढ़ने से, गीता पर प्रवचन करने से बहुत लोगों का आदर हो रहा है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जब आंदोलन होता है, कोई आयोजन होता है, तो उसमें भाग नहीं लेते हैं।
कलयुग में धर्म रो रहा है कि जिनके कंधे पर हम चढ़ेंगे, जो हमारी रक्षा करेंगे, वही हमको सहारा नहीं दे रहे, हमसे दूर भाग रहे हैं। पादा हते न लगुडे न बिघटिते न भूयो जरत छगल रुख छगला मिले न तामन्न दून मई रात्न के हिन्मदीयम मूल्यम जदौ न नहीं था शतधा विदीर्णम।